राजीव भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ सरकार एक ऐसी सरकार है जो गौ सेवा के लिए गांव के गोधन एवं अन्य पशुओं के लिए गोठान बनाकर गौ सेवा कर रही है, तो भाजपा को इसमें भी पीड़ा हो रही है। भाजपा गोठानों को बदनाम करने के लिए अभियान चला रही है। भाजपा को गोठान और गौशाला के बीच का मूल फर्क ही नहीं मालूम है। गोठान छत्तीसगढ़ की वर्षों की पुरातन परंपरा है। हमारी सरकार ने गांवों के उसी गोठानों को संवारने का काम किया है। साथियों, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार देश की अकेली ऐसी सरकार है जो गो सेवा के लिए गांव के गोधन एवं अन्य पशुओं के लिए गोठान बनाकर सेवा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जो गो सेवा के नाम पे पूरे देश में राजनीति करती है, मॉब लिंचिंग करती है, उसको इन गोठानों के नाम पर भी पीड़ा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी गोठानों में भ्रष्टाचार हो रहा है ऐसा कहकर अपनी खींच निकाल रही है। भारतीय जनता पार्टी के ही नेता बयान देते हैं कि गोठानों के लिए कोई बजट का प्रावधान नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मीडिया में बयान देते हैं कि गोठानों के नाम पर 1300 करोड़ का घोटाला हो गया। यह विरोधाभासी बयान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने समय समय पर आप सबके समक्ष दिया है। साथियों, आज छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार जो हमारी पारंपरिक परंपरा है, छत्तीसगढ़ की गोठान की परंपरा है, उस परंपरा का निर्वहन करते हुए गोठान को सामाजिक सरोकारों से जोड़ के गांव वालों को इस अभियान से जोड़ के राज्य सरकार ने लगभग 10,894 गोठान को स्वीकृत किया है, जिसमें से 9,591 गोठानों का निर्माण हो चुका है। और इस गोठान के माध्यम से अभी तक 3,50,000 एकड़ सरकारी जमीन को आरक्षित कर लिया गया है, जो आज ही नहीं वर्षों तक गोठान के नाम पे अधिग्रहित है, जो गोठान के उपयोग में होगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1,000 एकड़ जमीन गौशाला के नाम पे अपने कार्यकर्ताओं को, आरएसएस के कार्यकर्ताओं को बांट दिया। दूसरी तरफ भूपेश बघेल की सरकार है जिसने 4.5 साल में छत्तीसगढ़ की 3.5 लाख एकड़ जमीन गायों के नाम पे संरक्षित कर दिया है, ग्रामवासियों के नाम कर दिया है, जिसका गोठानों का संचालन गांव की गोठान समितियां कर रही हैं। साथियों, रमन राज ने गौशालाओं के नाम पे 1677.67 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेताओं को जो गौशाला चलाते थे उनमें बंदर माट कर दिया। 15 साल में रमन राज के दौरान 70,000 से अधिक गायों की मौतें भूख से हुई, चारा नहीं खिलाने के कारण हुई, गौशाला में हुई। साथियों, वह भीभत्स मंजर आज भी याद आता है जब शगुन गौशाला में आप सबको साथ लेके कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष और नेतागण गए थे। जैसे ही एक कमरे का दरवाजा खोला गया, दरवाजे के साथ 3 से 4 गाय मरी हुई अवस्था में आई। वहाँ पे लगभग 58 गाय मृत पाए स्थिति में थे जो नहीं जी बची। भाजपा का नेता उस समय उस गौशाला में गायों को कटवा के उनके मांस को तालाब बना के रखा था जिसमें वो मछली पालन करता था। गायों के मांस को उस समय वह मछली के चारे के रूप में उपयोग करता था, गायों की हड्डी का, गायों के चमड़े का व्यापार करता था। और उस नेता की गौशाला में बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के चुनावी चिन्ह कमल का निशान बना हुआ था उस गौशाला के दरवाजे पे। साथियों, 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गौशाला के नाम पे अनुदान को खाया, गाय भूखी रही, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पेट भरते रहा। 15 साल तक गौशालाओं में प्रतिदिन आहार के नाम पे लगभग 115 गौशालाओं को प्रतिदिन 28,75,000 रुपए से अधिक राशि दिया जाता था। गायों को चारा खिला के नाम पे 115 गौशालाओं को प्रतिदिन 28,75,000 रुपए से अधिक की राशि आवंटित की जाती थी। यह पूरी राशि 1 साल में 1,04,00,000 रुपए की होती है, 1,04,93,75,000 रुपए की होती है, और 15 साल में यह राशि होती है 1,560,00,000 की। इसके साथ ही रमन राज में इन गौशालाओं को 20,000 रुपए पशुओं की दवाइयों के लिए हर माह दिया जाता था। प्रत्येक गौशाला को 1 साल में 2,40,000 रुपए अनुदान गायों की दवाई करने के नाम पे दिया गया, और 1 साल में दवाई के नाम से लगभग 2,76,00,000 रुपए, 15 साल में 41.5 लाख रुपए गायों की दवाई के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, भारतीय जनता आरएसएस के नेताओं को जो गौशाला चलाते थे, 115 गौशाला मालिकों को दिया गया।
और गवाहों की गवाही नहीं हुई, लेकिन इन भारतीय जनता पार्टी के नेता टॉनिक पीपी के मोटे होते रहे। हर गौशाला को एवरेज 5 से 10 एकड़ जमीनें, सरकारी जमीन आवंटित की गई। अमूमन भारतीय जनता पार्टी के 15 साल में 1000 एकड़ जमीन, 1000 एकड़ सरकारी जमीन गौशाला चलाने वालों के कब्जे में दे दी गई, जहां पे वे अपनी निजी खेती कर रहे हैं, जहां पे उनके द्वारा गन्ने की खेती की जा रही है। कुछ लोगों ने कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी बनवा लिया है। इसके साथ ही मित्रों, मैं एक और आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिस आंकड़े को सुनने के बाद मेरा दावा है कि आप भी सिहर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के राज में 17,000 से अधिक गायों की मौतें गौशालाओं में हुई। भूख से मौत हुई, बीमारी से मौत हुई, उनको चारा नहीं दिया गया, पानी नहीं दिया गया, उनको एक बाड़ के रूप में बंद किया गया। सिर्फ अधिक कराने के लिए, गायों की संख्या बढ़ाने के लिए उनको रखा जाता था, उनको चारा पानी नहीं दिया जाता था। उनके चारा को गौशाला चलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के स्वनाम धन्य नेता, आरएसएस के नेता डकार गए।